सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा दाखिल एक अपील को खारिज करते हुए 1,00,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। शीर्ष अदालत ने अपने आदेश में कहा कि अपील दाखिल करने वाले अधिकारी की पहचान कर जुर्माना की राशि उस अधिकारी से वसूली जाए। यह आदेश सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की बेंच ने दिया है। कोर्ट ने कहा कि जुर्माना की राशि में से 50,000 सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन के खाते में और बाकी के 50,000 सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन वेलफेयर फंड में जमा किए जाए। दरअसल झारखंड हाई कोर्ट ने रिटायरमेंट बेनिफिट की मांग को लेकर दाखिल रविंद्र गोप की याचिका पर पिछले साल फैसला सुनाते हुए ये निर्देश जारी किया था कि रविंद्र गोप को रिटायरमेंट बेनिफिट दिया जाए। हाई कोर्ट की एकल पीठ के इस आदेश के खिलाफ राज्य सरकार ने अपील दाखिल की थी, लेकिन जस्टिस एस चंद्रशेखर और जस्टिस अनुभा रावत चौधरी की डबल बेंच ने राज्य सरकार की अपील को खारिज करते हुए एकल पीठ के आदेश को बरकरार रखा था, जिसके खिलाफ सरकार ने शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया भी था, लेकिन शीर्ष अदालत ने भी सरकार की याचिका खारिज कर दी। शीर्ष अदालत ने इस तरह के मामलों में शीर्ष अदालत में अपील दाखिल किए जाने पर नाराजगी जाहिर की। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा दाखिल एक अपील को खारिज करते हुए 1,00,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। शीर्ष अदालत ने अपने आदेश में कहा कि अपील दाखिल करने वाले अधिकारी की पहचान कर जुर्माना की राशि उस अधिकारी से वसूली जाए। यह आदेश सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की बेंच ने दिया है। कोर्ट ने कहा कि जुर्माना की राशि में से 50,000 सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन के खाते में और बाकी के 50,000 सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन वेलफेयर फंड में जमा किए जाए। दरअसल झारखंड हाई कोर्ट ने रिटायरमेंट बेनिफिट की मांग को लेकर दाखिल रविंद्र गोप की याचिका पर पिछले साल फैसला सुनाते हुए ये निर्देश जारी किया था कि रविंद्र गोप को रिटायरमेंट बेनिफिट दिया जाए। हाई कोर्ट की एकल पीठ के इस आदेश के खिलाफ राज्य सरकार ने अपील दाखिल की थी, लेकिन जस्टिस एस चंद्रशेखर और जस्टिस अनुभा रावत चौधरी की डबल बेंच ने राज्य सरकार की अपील को खारिज करते हुए एकल पीठ के आदेश को बरकरार रखा था, जिसके खिलाफ सरकार ने शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया भी था, लेकिन शीर्ष अदालत ने भी सरकार की याचिका खारिज कर दी। शीर्ष अदालत ने इस तरह के मामलों में शीर्ष अदालत में अपील दाखिल किए जाने पर नाराजगी जाहिर की। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।